एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया है कि अविद्या से संस्कार और संस्कार से फिर इस भवलोक में उत्पत्ति होती है। आप ऐसा कहते हैं, बुद्ध ऐसा कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अविद्या से हमारे अंदर संस्कार पैदा हो रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर अविद्या है? यह प्रश्न है। अविद्या और संस्कार पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। इन मित्र ने हो सकता है कि अभी इस चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर वो उन वीडियोज को सुनेंगे तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि अविद्या संस्कार किसको कहा गया है। अविद्या को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अविद्या का साधारण अर्थ होता है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? हम अज्ञान का सीधा सीधा संबंध, साधारण संबंध जोड़ देते हैं अपनी शिक्षा दीक्षा से। हम कहते हैं कि हम अज्ञानी तो नहीं क्योंकि हमने ग्रेजुएट किया है, हम अज्ञानी तो नहीं क्योंकि हमने मास्टर किया है, पीजी किया है, हम अज्ञानी तो नहीं क्योंकि हमने इंजीनियरिंग की है, हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम लॉयर हैं। लेकिन बुद्ध ने जो शब्द अविद्या का इस्तेमाल किया, जो अज्ञान कहा गया, इस अज्ञान का कोई भी संबंध ऐसी शिक्षा से नहीं है जो किसी सर्टिफिकेट की वजह से हमको हमारे वजूद को बनाती है। ज्ञान वजूद बनाने का मतलब नहीं है। ज्ञान तो एक आंतरिक घटना है और अज्ञान, ज्ञान के नहीं होने पर, ज्ञान के प्रकट नहीं होने पर, विवेक के नहीं खुले होने पर, प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होने पर अज्ञान होता है, उसको हम अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान की परिभाषा कभी भी यह नहीं करनी चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से कि किसी व्यक्ति ने कोई डिग्रियां ली हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित है या देश में प्रतिष्ठित है, देश का राजा है, तो वह ज्ञानी ही होगा क्योंकि वह राजा है, क्योंकि वह उसने बहुत सारे सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। ज्ञान का अर्थ है विवेक की जागृति, जिसको क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है इसकी ठीक ठीक परख होती है, वह ज्ञानी। और जिसको यह परख नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वह अज्ञानी। बुद्ध इसको इस तरह से समझाते हैं, अपने उदाहरण से समझाते हैं। बुद्ध रास्ते से गुजरते हैं, एक व्यक्ति गाली देता है, बुद्ध चुपचाप उसकी सुनते हैं। जब वो गाली दे चुका होता है तब बुद्ध कहते हैं कि आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे चलना है, मुझे दूसरे गांव जाना है, दूसरे गांव में कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी बात पूरी हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो अभी मैं फिर इसी रास्ते से लौट कर आऊँगा, तब आप फिर मेरे को कह देना। और वो व्यक्ति गाली दे रहा है और बुद्ध को उसकी गाली से कोई लेना देना नहीं, वो गाली दे रहा है, देता रहे। बुद्ध ने उसकी गाली को लिया नहीं, बुद्ध ने उसकी गाली को सुना नहीं, बुद्ध ने उसकी गाली को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने कहा, धन्यवाद, आपने, आपके पास जो था वो मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
ज्ञान और अज्ञान का फर्क बता रहा हूं। ज्ञान यही है, बात वहीं खत्म हो गई, कोई संस्कार नहीं लगा। अविद्या यानी अज्ञान और संस्कार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अविद्या से संस्कार पैदा होगा, अज्ञान से संस्कार पैदा होगा। अगर बुद्धि की जगह हम होते तो उसने एक गाली दी है, हम दो हो देते, और जब हम दो देते तो फिर बहस होती, क्या होता, संस्कार लगता। अज्ञान, हमने अपना अज्ञान दिखाया, वह तो अज्ञानी है ही, गालियां दे रहा है, हो सकता है ज्ञानी हो, लेकिन अगर हम ज्ञानी हैं तो हम उसकी बात सुनेंगे, स्वीकार करने योग्य होगी तो स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करने होगी योग्य होगी तो नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन बहस नहीं करेंगे, लेकिन जिद्दोजहद नहीं करेंगे, यही कहेंगे कि मुझे आपकी बातें स्वीकार हैं, मैं इन पर अमल करूँगा, या ये कहें कि मुझे आपकी बातें स्वीकार नहीं इसलिए मैं इनको ले नहीं सकता, मुझे माफ़ करें, बात खत्म हो गई, कोई संस्कार आगे नहीं लगा। लेकिन जब मैं विरोध करने लगता हूँ, जब मैं आपस में भिड़ने लगता हूँ, जब मैं बहस करने लगता हूँ, तब क्या होता है, तब बातों से बात निकलती है, विवाद होता है, झगड़ा फसाद होता है, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर लगते हैं, और कितना लंबा समय इस बहुमूल्य जीवन का, जो कितना लिमिटेड है, इसमें कितना समय व्यर्थ की बकवास में बीत जाता है, व्यर्थ के धंधों में, व्यर्थ के झगड़ों में, जो नगण्य था, जिसको अनदेखा किया जा सकता था, जिस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता था, उसके लिए इंसान अपनी जान तक गंवा देता है। इस बहुमूल्य शरीर को, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बड़ा ही सौभाग्य होता है जब मनुष्य जन्म मिलता है, इसको वह ऐसे ही फेंक देता है जैसे कोई सड़े हुए फल को फेंकता है, ऐसे फेंक देता है। यह बहुमूल्य जीवन जो फिर मिले मिले, ना मिले ना मिले, और फिर मिले भी तो किसी ऐसी योनि में मिल जाए जहाँ कोई विवेक न जगे, जहाँ कोई प्रज्ञा न खुले, और अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, या उसकी वेशभूषा ऐसा हो, उसका लहजा ऐसा हो, उसका कार्यकलाप ऐसा हो जो हमें नहीं भाता, तो हम उसे स्वीकार करें या न करें यह तो हमारे ऊपर है, लेकिन अगर हम अज्ञानी हुए तो हम ईर्ष्या करेंगे, द्वेष हमारे अंदर पैदा होगा, क्रोध हमारे अंदर पैदा होगा, वासना पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, यह अज्ञानी के लक्षण हैं। और इस अज्ञानता में वह अपने आप को यहाँ उलझाता हुआ चला जाएगा और फंसता रहेगा, और संस्कार लगेंगे। संस्कार क्या होते हैं, अभी हमने बात की अविद्या की, और इस अविद्या से संस्कार कैसे लगता है, ऐसे ही जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और हम उस पर बरस गए, उससे हमने दो दो हाथ कर लिए, अब संस्कार लगा, क्योंकि यह बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली, लंबी चलने वाली है। अब विचार उठेंगे कि उसको ऐसे पीटना था, उसको ऐसा कहना था, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, तो पुलिस बुलानी चाहिए थी, उसके माँ बाप को कहना चाहिए था, तो उसकी किसी और रिश्तेदार को बुलाना चाहिए था, तो उसको मजा चखाना चाहिए था तभी, ताकि वो दोबारा ऐसा न कर पाए। ये सब बातें उठती हैं, ये संस्कार लग रहे हैं अब, और इन संस्कारों से, अब इन विचारों से कुछ और विचार निकलेंगे, कुछ और फूल खिलेंगे, कुछ और फल लगेंगे, और फिर वहाँ से और नए कर्मों का जन्म होगा। संस्कार से कर्म पैदा होते हैं, और अगर बात वहीं खत्म हो गई कि आपने सुनी और उसको स्वीकार कर लिया, या उसको अस्वीकार कर लिया और आप थैंक यू कहकर
धन्यवाद कहकर चल पड़े तो कोई संस्कार नहीं लगा। आगे अब उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं, क्योंकि वहां बीज ही खत्म हो गया। तो अगर अविद्या हो तो बीज हजारों गुना लाखों गुना बढ़ सकता है, और फिर उस बीज से संस्कार पैदा होंगे। संस्कारों के बीज हैं वो, और फिर वो कर्मों का रूप लेंगे। हम उसको, उसकी पीढ़ी को, उसके आने वाले बच्चों को, उसके बिजनेस को और उसके रास्तों को और उसके खेत खलिहानों को, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में हमने सारे निर्णय लिए हैं। अब संस्कार काम करेंगे, अपना संस्कार कर्म का रूप लेंगे। संस्कारों से विचार उठेंगे, विचारों से कर्म हो जाएगा। तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं, जिसका जिससे दूसरे का कोई लेना देना हो। यहां कुछ भी ऐसा नहीं कि जिससे दूसरे को नुकसान होता हो और अपने को नहीं। यहां हर अज्ञानता से, हर अविद्या से अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि संस्कार लगता है, क्योंकि अंदर एक बीज पड़ता है। जरा सा भी विरोध हुआ, एक बीज पड़ा, अब वो विरोध विचार का रूप लेगा, विचार फिर कर्म बदल जाएंगे, और फिर हम बीज पर बीज पैदा करते जाएंगे, और संस्कार दर संस्कार हमारी आज की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। अनंत जन्मों की यात्रा, लेकिन आज भी उतनी अविद्या, आज भी उतने ही संस्कार। अब यहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं, अपने से तो कोई मार्ग नहीं। अब यहां कोई ऐसा चाहिए जो मुक्त हो। इसलिए संत कहते हैं कि मुक्त वही करेगा जो मुक्त होगा। मुक्ता सेवे मुक्ता हुए, नानक कहते हैं कि मुक्त पुरुष की सेवा करो, मुक्त पुरुष से दीक्षा लो, और तब मुक्त होया जा सकता है। अपने से तो नहीं, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों से इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा ढेर लग चुका है कि अब तो पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब तो पता ही नहीं चलता कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। इसीलिए तो सच दिखाई नहीं देता, इसलिए तो कहते हैं कि सच अब कहाँ, अब तो सब झूठ है, इसीलिए सच नहीं दिखाई देता। और बुद्ध तो कहते हैं कि जहां उत्तेजना हो वहां सच ढक जाता है, और आज के दौर की उत्तेजना, इसमें सच ढक जाता है, दिखेगा कहां से, सच है ही नहीं। सच तो कहां दब गया, अब जो झूठ भी है वह सच जैसा दिखाई देता है। इसलिए अविद्या और संस्कार को समझने की कोशिश करेंगे, तभी इस भवलोक से निकलने की राह खुलेगी, और तभी अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि फिर हम अविद्या के जरिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो आने वाले दिनों में हमारे कर्म का रूप ले ले, हमारे संस्कार बन जाए। क्योंकि जो भी चीज़ रिपीट होगी, जो भी चीज़ की पुनरावृत्ति होगी, जो भी चीज़ में विरोध होगा, वह विरोध सामने प्रदर्शित हो जाएगा नए रूप में। इसीलिए तो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी,
और प्रतिक्रिया होगी तो फिर रिजल्ट आएगा। तो इस बात के लिए इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यह कहे कि गाली दी थी तो मैं उसका फिर उसको गाली क्यों नहीं देता, मूर्ख है जो कहता है कि मैं गाली क्यों नहीं देता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि उस वो जाने उसकी गाली उसने अपने पास संभाल कर रखी है, मुझे देना चाहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं क्यों लूँ। तो बुद्ध का अनुयायी तो ऐसा कहेगा, लेकिन जो अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझता है वो कहेगा कि उसने मेरे को एक गाली दी, मुझे दो देनी चाहिए, ऐसे मैं दब जाऊँगा तो फिर तो सभी गाली देंगे। उसके अपने तर्क हैं, लेकिन हकीकत यह नहीं। बुद्धों ने जिस तरह से जीवन जिया और हमें एक उदाहरण बनकर दिखाया है, हमें वैसा ही जीवन जीना होगा, हमें उसी नक्श कदम पर चलना होगा, तभी हम बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं, तभी हम बुद्धों की लीक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तब का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। समय तब भी वैसे ही था, लोग तब भी वैसे ही थे, और समय आज भी वही है, लोग आज भी वैसे, बल्कि इतनी लंबी यात्रा में 2800 साल का और भी लंबा अंतर हो गया। इस अंतर में होने से और भी चेतना उतनी ही खंडित हो चुकी है। 2800 साल पहले आदमी और भी ज़्यादा हो सकता है कि सरल रहा हो, लेकिन आज इतना सरल नहीं। 2800 साल पहले आदमी हो सकता है कि इतना भौतिकवादी ना हो, लेकिन आज बहुत भौतिकवादी है। 2800 साल पहले हो सकता है कि उसका मन इतना चलाईमान न हो, आज बहुत चलाईमान है। लेकिन हकीकत यही है कि बुद्धों के बताए हुए मार्ग पर से ही अविद्या और संस्कार से बचा जा सकता है, और उसके लिए बुद्धों के मार्ग पर चलना होगा, बुद्धों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, बुद्धों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना होगा। नमो बुद्धाय।